हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये लॉ पढ़ रहे हैं तो लोग ये मान लेते हैं कि ये लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही वैलिड है। समझ में आई क्या मेरी बात? गलत बात है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ है। यहां पर ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप बोलेंगे सर मैं भी यही सोच रहा था। ना, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक सोच रहे हो और इलेक्ट्रिक बोल रहे हो। मैं इलेक्ट्रिक बोल रहा हूं और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों सोच रहा हूं। सेम गॉस इज डूइंग, सेम मैक्सवेल इज डूइंग, सेम फैराडे इज डूइंग। ई का मतलब यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। जब हमने नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ी नहीं तो हम आज इसका प्रूफ दे ही नहीं सकते। उन्होंने जो प्रूफ किया है वो तो गॉस लॉ का छोटा सा पोर्शन प्रूफ कर दिया है, विच इज नॉनसेंस। दूसरा सबसे बड़ा पाप, इसको कूलम लॉ से प्रूफ कर रहे हैं। कूलम लॉ जिसकी औकात जब मैक्सवेल ने नहीं रखी तो उससे तुम इसको प्रूफ करोगे, इस ज्यादा बदतमीजी क्या हो सकती है फिजिक्स के साथ, राइट? सो इसके प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, मैं फिर से बता दूं। हां, हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए वेरीफाई कर सकते, सोच सकते कि हाँ यार इलेक्ट्रोस्टैट में देखो भैया ऐसे काम कर रहा है। मैं एक बार लॉ समझाऊंगा तो आपको आ जाएगा समझ में, आप खुद ड्राइव कर लेंगे कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, इसमें गॉस का नाम ही क्यों रखा। इनफैक्ट यू विल फाइंड दैट दिस शुड हैव बीन नेम्ड फैराडेज़ फर्स्ट लॉ। लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी, उसको मैथ्स नहीं आती थी, मैथ्स नहीं आती है तो बस जिंदगी ऐसी बर्बाद हो जाती है। और बर्बाद मतलब बर्बाद तो नहीं हो जाती, बट मतलब अलग ही बात होती। न्यूटन के 3 लॉ मैकेनिक्स के, फैराडे के 4 लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, मतलब नहीं है? हाँ मतलब ओके। ऐसे फैराडे को कोई शौक नहीं था इन चीजों का। उसको जब प्रेसिडेंटशिप मिली रॉयल सोसाइटी की, उसने रिजेक्ट कर देने का, हट ऐसे फालतू काम नहीं करता मैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंसेज मतलब सबसे बड़ा बजट होता था एक जमाने में साइंस पर रिसर्च करने के लिए। राइट, उसने कहा था लैब मिल जाए, एक चार्ज मिल जाए, कागज पेन मिल जाए, खुश है अपन, चुप रहे यार अभी। ओके, तो यहां पे ई का मतलब, 2 मिनट रुक जाए यार प्लीज। ई का मतलब पढ़ आज यहां रहे, इसका मतलब कहते ही ये नहीं है कि लो यहां का है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा रहे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहली बार इसका यूज होता है तो हमको भैया जहां पहली बार यूज होता है वहां पढ़ा देते हैं। हम पढ़ाते इस बेसिस पे नहीं है कि इसका अपन कब आएगा, मतलब कब प्रूफ कर पाएंगे। प्रूफ तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि लॉ है। हम वेरीफाई कर लेंगे अलग अलग सिचुएशन में, हाँ भाई ये काम कर रहा है और ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, हाँ आप कुछ कहना चाहते? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ गए। हाँ, तो सर आगे भी नहीं कर सकते, लॉ है, प्रूफ नहीं कर सकते। तो मतलब अगर हम नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे, हाँ तब भी नहीं होगा प्रूफ। लॉ का मतलब ही होता है बेटा, लॉ मींस विच इज लॉजिक ऑफ ऑल द रिमेनिंग थिंग्स। उसको हो सकता है हम पहले जो है पहले लॉ डिराइव कर लेते हैं, ये करो तो आ रहा है, ये करो तो आ रहा है, ये करो तो आ रहा है। फिर जब वो एक बार कह देते हैं उसको लॉ का स्टेटस मिल जाता है, फिर उसके प्रूफ की बात नहीं की जाती है। पहली बार जो आदमी निकालता है वो ऑब्वियसली उसको रिलेट करता है नॉन फिजिक्स से। एक बार उसने रिलेट कर दिया नॉन फिजिक्स से, उस रिलेशन को लोग प्रूफ मान लेते हैं जबकि प्रूफ होते नहीं है। फिजिक्स में एक बार यदि अपन किसी चीज को लॉ कह दिया जाता है ना तो इसको बदतमीजी माना जाता है कि उसका आप प्रूफ दे रहे हो। इट इज कंसिडर्ड बैड मैनर्स कि आप लॉ का प्रूफ दे रहे हो। ओके, देन फिर वो लॉ का प्रूफ नहीं, वो उसका रिलेशन है कि यस, इज इट रिलेटेड टू कूलम्स लॉ? यस। Should it be related? Obviously yes. कूलम ने गलत एक्सपेरिमेंट थोड़ी किए थे। कूलम के लॉ से रिलेशन होना चाहिए क्या? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? कूलम को गलत फिजिक्स पढ़ा रहा लिख रहा था क्या? रिलेट तो होना ही पड़ेगा, लेकिन प्रूफ नहीं है। फंडामेंटल लॉ है, कोई प्रूफ नहीं होता इन लॉज का। नो प्रूफ। यस
अरे बता रहे यार अभी तो लूप इंटीग्रल में क्यों लिखा, अभी सब समझा रहा हूं, खत्म हो गया क्या? ये तो समझ ले ई क्या है, वो तो समझ नहीं रहा है, अभी इलेक्ट्रिसिटी रेट के चला जाएगा, फिर जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आखिरी दिन अप्रैल में किसी दिन, तब ये देख रहे होंगे सर ये कहां से आ गया, आखिरी दिन भी यही पढ़ा रहा हूँ हीरो, इसलिए पढ़ा रहा हूं आज, रुक जा अभी खत्म नहीं हुई स्टोरी, ठीक है देख तो लो दिखने में कैसा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग इस कंक्लूजन तक खुद कैसे पहुंच सकते हैं बिना दिमाग पे जोर डाले बहुत ज्यादा, वो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं कि हाउ दिस इज एग्जैक्टली ट्रू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। और को यार गणित का चिन्ह दिख गया, अब इसको तो ये चिन्ह जो इसने पढ़ के आया इसको गणित का चिन्ह समझना है, बाकी भाड़ में जाए राइट, मैं बात ही नहीं करूंगा, तो बैठे ही रहे, अब बात ही नहीं करूंगा उसके बारे में। मान लीजिए एक चार्ज क्यू है, ओके, इसको मैंने एक थैले में बंद कर दिया, थैला समझते हैं आप, राइट, इसको मैंने एक थैले में बंद कर दिया और मैंने काउंट किया थैले के थ्रू कितनी फीड लाइंस जा रही है, ठीक है। अब मैंने इसको एक दूसरे थैले में बंद कर दिया, इंपॉर्टेंट है बंद कर दिया, थैला ऐसा होना चाहिए, ऐसा थैला नहीं होना चाहिए कि जी दिस इज नॉट थैले में बंद कर दिया, ये थैला खुला है राइट। कैन यू गेस तीनों के थ्रू फील्ड लाइंस की संख्या है सेम होगी, पक्का, क्यों, यही लिखा वहां पर, यदि आप किसी बंद थैले के थ्रू फील्ड लाइंस काउंट करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अंदर कितना चार्ज है उस पर डिपेंडेंट होगी। इसको अंग्रेजी में लिखने की बजाय गणित में ऐसे लिखते हैं, फ्लक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस, सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, ये बंद थैला, ठीक है। इसका पढ़े लिखे लोग कुछ बड़ा बड़ा नाम बता रहे थे, मुझे तो नहीं आता, क्या बोल रहे थे भाई तुम, लूप इंटीग्रल, अपन इतने पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे आदमी, अपन को इतनी गणित आती नहीं, अपने हिसाब से क्या भैया ये देसी भाषा में बंद थैला, ऑलराइट, क्यों भाई कितने लोग को लूप इंटीग्रल समझ में आता है, हाथ उठाना बे, कितने लोगों को बंद थैला समझ में आता है बिल्कुल क्लियरली, अरे अरे मैथमेटिशियंस का काम होता है डराना, कोई सिंपल सी बात हो उसको ना ऊल जलूल तरीके से बोल के डरा देते, किसी को बोलना है पार्शियल डेरिवेटिव, ये लो बंदा बेचारा वैसे ही घबरा जाए, क्या लिख दिया ये डी, पहले साला डी बाई डी समझ में नहीं आता था, अभी डी भी घुमा दिया और ये बड़े नाम लेके पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, बच्चे डर जाते हैं, यस ऐसा लगता है कोई बड़ी चीज पढ़ो, क्या बड़ी चीज पढ़ रहे हैं इसमें, इसमें गॉस ने क्या किया, क्या किया गॉस ने इसमें, उसको सिर्फ मैथ्स में पुट किया, फैराडे कर दो, ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चार्ज को थैले में बंद करोगे तो क्या होगा, थैले की साइज पे डिपेंडेंट नहीं होगा, थैले में चार्ज की लोकेशन क्या है उस पर डिपेंडेंट, सिर्फ किस पर डिपेंडेंट होगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी निकलेंगी थैले में से, अंदर कितना चार्ज बंद है। कब की बात करें हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, क्या हमने लॉ प्रूव कर दिया, नहीं, क्यों नहीं किया, ई का मतलब कुछ और भी होता है, इसलिए फिलहाल छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी गहरी बातें हैं जो हम धीरे धीरे सवाल करेंगे तो शायद समझ में आ जाएंगी, फिर भी मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। और कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 1/ε0, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक, ओके। भारी बातें बोलनी है, लूप इंटीग्रल क्या, फिर मैं बोलता हूं ना भारी बातें, अरे इट रिप्रेजेंट्स इनर्शिया ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक, बोल बोल, अब तू बोल के बता बड़ी वाली कोई बात, फिर
हाँ जी, अंदर कितना चार्ज बंद है थैले में मेरे भाई? थैले में 2 कूलम बंद है और 4 कूलम बंद है, ज्यादा किस में निकलेंगी फील्ड लाइट्स? और कितने गुना निकलेगी? 2 गुना। हेलो, समझ में आया हमें क्यों फेरेडे की भाषा सीखनी पड़ी कि नहीं? समझ में आया? राइट, थैले में कितना चार्ज बंद है, दैट्स इट, कहानी खत्म। सरफेस का शेप वेप से कोई मतलब? कोई कुछ करना ही नहीं। हमें क्या करना सरफेस के शेप वेप से? गोली मारो उसको। हमें तो थैले में बंद चार्ज से हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं ये भी स्पेसिफाई करना चाहूंगा, हो सकता है आपको वो चीज आज क्लियरली ना दिखे अपन, लेकिन पेन चलाएंगे तो दिख जाएगी। यहां पर जब हम लोग बच्चों फील्ड लिखेंगे, मैं थोड़ा सा अब गॉस की साइड आ रहा हूं, इंटीग्रल ई डॉट डीग्रल करने के लिए यहां पे फील्ड लिखेंगे, किसकी वजह से लिखेंगे? ना, यूनिवर्स में मौजूद सारे चार्जेस की वजह से लिखेंगे। प्लीज राइट डाउन, ई हियर इज रिटन एज प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस क्यू, इसको मैं Q1 कह देता हूं, लेट से। राइट, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इसी पे आ रहा हूं। धीरे धीरे ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए वुड बी इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज Q1 है यहां पे, सिर्फ यदि है आप बोलेंगे हाँ सर, मैं यहां पे Q2 रख दूंगा। अब आपको शक हो सकता है कि सर अब शायद हो या ना हो, लेकिन अभी भी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वुड बी सेम, द वैल्यू ऑफ फील्ड विल नॉट बी सेम। अब दो अलग अलग फिगर बना लेंगे तो बेहतर रहेगा, मेरी तरह आलस ना करें। राइट, एक फिगर ये, तो भी इंटीग्रल ई डॉट डी ए थ्रू बंद थैला में, क्या बोल रहा हूं, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। बना लिया सबने फिगर, अब ये फिगर बना ले, और मैं कह रहा हूं इसमें भी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी ए वुड बी Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। यदि गॉस लॉ ट्रू है तो ऐसा होना चाहिए। गॉस लॉ तो यही कह रहा है कि आप चिंता मत करो बाहर कौन पड़ा हुआ है, और ई किसकी बोल रहा है, मैं उस पर आ रहा हूं अब, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक लिख लें आप पहले कि रिजल्ट क्या आएगा, फिर मैं इसका लॉजिक समझा देता हूं, और फिर उसके बाद अपन और बातचीत कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही केस में चाहे चित्र ये हो तो भी इंटीग्रल ई डॉट डी ए, चाहे चित्र ये हो तो भी इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये चीज थोड़ी सी परेशानी का कारण हो सकती है, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो क्यों परेशानी का कारण हो सकती है? यदि अपन गलत रट ले तब तो परेशानी का कारण नहीं होगी, अपन रट ले कि भैया यहां पे ई किसका लिखना है, Q1 का, फिर ठीक है, लेकिन वो गलत है। इस चित्र में ई जो यहां पर लिखा जाएगा, दिस विल बी ई एट पॉइंट पी ड्यू टू 1 प्लस ई एट पी ड्यू टू 0.2, स्टिल दिस इंटीग्रल विल बी Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। बढ़ू मैं आगे? पक्का इस चित्र में इस ई का मतलब इज नॉट ई ड्यू टू जस्ट 1, ई ड्यू टू 2 भी लिख लो तो भी इंटीग्रल यही रहेगा, और यही लिखना भी चाहिए इस लॉ में। ई में दो बातें याद रखनी है अब, एक तो ये ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही नहीं है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, जेई की भाषा में बोलू तो या फिजिक्स भाषा बोलू तो इलेक्ट्रिक फील्ड, विच मैं आपको पिछली क्लास समझा चुका हूं, एक नहीं दो होती है, ई और सारे उसके इवन डेरिवेटिव्स, याद है, बताया था मैंने। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो ई है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, मतलब कि इस जगह कितनी फील्ड है, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज रिटर्न ऑन राइट साइड नहीं है। करेंगे तो भी हो जाएगा, आप बोलेंगे सर चलो मैं ऐसा करता हूं, जब ये इसके बिना आ रहा था आंसर तो भी आएगा क्या,
वो सरप्राइजिंग नहीं है, मतलब आप बोलो कि सर मैं तो ये सरफेस ले रहा हूं, भले ही चार्ज कॉन्फिगरेशन दे रखा है, मैं तो फील्ड सिर्फ इसकी वजह से लिखूंगा वन की वजह से, तो क्या आएगा आंसर? ऑब्वियसली यही आएगा आंसर, लेकिन मैं वो नहीं है सीखने की बात, सीखने की बात यह है कि यदि मैं इसकी वजह से भी लिख लूं तो भी आंसर सेम आएगा। सरप्राइजिंग बात वो है, यदि सरप्राइजिंग है तो। प्रूफ कुछ करना ही नहीं होता प्रूफ के लिए, यदि फेरेडे अपने साथ है प्रूफ की टेंशन ही नहीं लेने का, क्या होएगा। Q2 थोड़ा पास में रख देता हूं ताकि इसकी फील्ड लाइंस बनाता हूं मैं, है ना। यदि फेरेडे साथ में तो प्रूफ में टेंशन लेना, फेरेडे के बिना प्रूफ थोड़े मैथमेटिकल हो जाते हैं। ये फील्ड लाइन बनाई मैंने, कहीं रुकेगी क्या, कहीं रुकेगी? राइट, क्यू वन से थोड़ा जल्दी ज्यादा निकल गई। कितनी बार क्रॉस किया इसने रेड वाले को, लेकिन एक बार अंदर आते हुए नेट कितना आया? जीरो। जबकि जो क्यू वन से बनेंगी वो सिर्फ बाहर जाएंगी, वो वापस नहीं आएंगी। जबकि इससे आप जितनी चाय बना लो, बनाई थी फील्ड लाइन सभी अपन ने, प्लस माइनस कुछ भी ले लो, यदि एक बार अंदर जाएगी बाहर भी आएंगी, तो वो काउंटिंग में नहीं आने वाली है। माइकल फेरेडे तो चित्र बना के प्रूफ करके बैठा है, जो भी गॉस से होने वाला है वो सब माइकल फेरेडे से तो हो चुका है पहले, वो तो ये चित्र बनाया, ये लॉ बन गया, बस उस गरीब को आता नहीं था तो ये लिख नहीं पाया इस भाषा में, चौथी पास था इसलिए। गॉस फेरेडे से ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या? यहां पर जब ये फील्ड लिख रहे हैं अपन, यहां पर ये जो फील्ड बनाई अपन ने ऐसी, ये जो फील्ड बनाई, ये फील्ड के ऐसे बनाने में सिर्फ Q1 का ही, Q2 का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है कि Q1 का भी है? ये सिर्फ Q2 की फील्ड है क्या? ये फील्ड लाइन Q2 की है? नहीं, Q1 Q2 दोनों की है ना, लेकिन काउंटिंग में ये नहीं आएगी। जब हम फ्लक्स काउंट करने जाएंगे तो ये वाली फील्ड लाइन्स काउंट में नहीं आ रही होंगी, सिर्फ वो वाली आई होंगी जो Q1 से ओरिजिनेट हुई थी, जो Q2 से ओरिजिनेट हुई थी वो वाली काउंटिंग में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉस कर रही होंगी, एक बार एंट्री एक बार एक्सिट। इसलिए ये लॉ ये कहता है कि, इसीलिए मैं आपको कह रहा था ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जैसे अपन जब F is equal to ma लिखते हैं, A is equal to F by m, तो उसमें उन फोर्सेस जो मास पे लग रहे हैं वही फोर्सेस लिखते हैं और उनका अफेक्ट होता है वो एक्सेलरेशन, राइट? ये फील्ड इस चार्ज की नहीं है, ये फील्ड यूनिवर्स में मौजूद ही सारे चार्जेस की वजह से भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिस ई इज प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। अब समझ में आया मैं क्यों इतनी भारी भाषा बोलता हूं? प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बहुत बड़ी, तू इस तरफ से ज्यादा जा रही होंगी, संख्या तो भी सेम ही आएगी, लेकिन फील्ड की वैल्यू जो यहां पहले आती थी क्या वो आएगी? नहीं। फील्ड की वैल्यू सरफेस पे सब जगह चेंज हो गई होगी, फील्ड की वैल्यू सरफेस पे कोई एक जगह नहीं, सब जगह चेंज हो गई होगी, लेकिन इंटीग्रल ई डॉट डी ए की वैल्यू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगी। ये गॉस लॉ की सबसे खतरनाक स्टेटमेंट, और ये तो सिर्फ अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो और भारी बातें कर देता है। अभी तो अपन 50% ही पढ़ रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी अपन ने? 50% में इतनी भारी बात कह रहा है कि तुम कुछ भी करते रहो, यहां लाके Q3 रख दू क्या फर्क पड़ेगा फील्ड पे? सुन नहीं रहे आप सवाल, यहां फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? बदल जाएगी फील्ड लाइंस का शेप, बदल जाएगा, लेकिन इस थेरे के थेले के थ्रू फ्लक्स सेम रहेगा। ये आप बिना कैलकुलेशन करे कह सकते हो बाय वर्च्यू ऑफ गॉस लॉ, या आपको भी फेरेडे की तरह दिखता था आप भी कह सकते हैं कि मुझे दिख तो रहा है फील्ड लाइन अभी भी वैसे ही निकल रही होगी। दैट्स व्हाई वी नीड फेरेडे एंड गॉस बोथ। गॉस नहीं होगा तो गणित नहीं कर सकते, फेरेडे नहीं होगा तो गणित करनी कहां है और कितनी करनी है यह समझ में नहीं आएगा। जैसे जेई वाले कमीनों ने क्या सवाल दिया मैं आपको बताता हूं, पता नहीं आज कर पाएंगे सॉल्व कि नहीं कर पाएंगे, बट सवाल बहुत ज्यादा सुंदर दिया था इसलिए मेरे से रहा नहीं जाता डिस्कस करे बिना। ये दे दीजिए, ले लूं मैं। अरे
ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है। उन्होंने कवीनों ने एक ऐसी फ्लैट सरफेस दी और इसके थ्रू फ्लक्स पूछा और 3D में बना दिया डायग्राम वाइग्राम आई कैप जे कैप के कैप में दे दिया। अब कोई भी बच्चा कैन यू होल्ड इट फॉर 2 मिनट्स प्लीज, इतना ऊपर तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, इधर आवे जल्दी आओ यार, हाँ पकड़ो इसको, इधर आ जाओ, हाँ हाँ बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अरे समझ में आ रही है बात, इतनी सी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, समझ रहे हैं, और ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और इसकी वजह से उन्होंने पूछा कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा। गॉस लॉ लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा गॉस लॉ, क्लोज ही नहीं है सरफेस। पर डेटा में कुछ ऐसी शरारत कर रखी उन्होंने कि दिमाग पे जो डालो और थोड़ा फेरेडे को मिक्स कर लो गॉस के साथ तो सवाल एक लाइन में बिना पेन चलाए ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। दूंगा मैं आपको सवाल, ट्राई करेंगे तो समझ में आएगा, समझ में आई बात। थोड़ा फेरेडे सोचना पड़ता है, थोड़ा गॉस सोचना पड़ता है। मैंने पूरा डीपी भी बनाया इसके ऊपर कि थोड़ा तो फेरेडे सोचना पड़ेगा कि यार ये फील्ड लाइन जो इससे निकल रही है वो किसी और चीज से भी निकल रही होंगी, मैथमेटिकली भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा वो डालते हमेशा आउटस्विंगर है अच्छे सवालों में, गणित से भी सॉल्व हो जाएगा, अपन को फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, स्ट्रिप का एरिया लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो पागल टाइप करके इंटीग्रल ई डॉट डी ए डॉट डी ए जोड़ो तो उससे भी आ जाता है आंसर, और बिना पेन चलाया भी आ जाता है आंसर। भाई बच्चा जो बेकूफ टाइप का उसका टाइम कहीं तो जाएगा ना, तो उसका टाइम भी तो इन्वेस्ट करवाएंगे कदों का कि भाई तू यही कर, खुश रहे, कर तू 10 मिनट तक सॉल्व और इंटीग्रल में गलती कर दे। और जो समझदार बच्चा है उसके लिए इस सवाल में कुछ नहीं सोचो तो यूं आ जाएगा, समझ में आ रही बात। तो वो ऐसे देंगे सवाल कि जहां पे अपन को दे दीजिए थैंक यू, कि जहां पे सिर्फ गॉस से भी काम नहीं होगा, सिर्फ गॉस लॉ से भी काम नहीं होगा, सिर्फ फेरेडे से भी नहीं होगा, वी हैव टू लर्न। दैट्स वाई मैंने इन तीनों को आपको एक साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जैसे उस सवाल में भी आपसे क्या पूछा, फ्लक्स नहीं पूछा, मैं रेशियो ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पूछा, तो उसमें रेशियो में हमें थोड़ा तो फ्लक्स भी सोचना पड़ा गॉस से और थोड़ा फेरेडे से भी सोचना पड़ा कि यार फायदा ही नहीं है मेहनत करने का, क्योंकि फील्ड लाइन जितनी इससे निकल रही है उतनी उससे भी निकल रही होगी, तो ये अपना जो मैथमेटिकल आंसर आया इसको सीधा अपन ने चेप दिया वहां पर, जरूरत ही नहीं क्यों दिमाग लगाने का, ऐसे यहां पे चल रहा। आप बोलेंगे इसको आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो कि बाहर वाले की फील्ड की वजह से फ्लक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मैं प्रूव कर सकता हूं, मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूं, उसमें कुछ नहीं है, मैथमेटिकल प्रूफ इज वेरी वेरी इजी ऑफ दिस थिंग। मैथमेटिकली कैसे प्रूव होगा, यही चीज बाहर वाले का फर्क नहीं पड़ेगा, वेरी इजी, ये चार्ज बाहर है Q2, ये सरफेस है हाफ, फिर भी फेरेडे यूज करूंगा, कितना फ्लक्स होगा इसकी वजह से सरफेस के थ्रू, फेरेडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि चार्ज जो बाहर होते हैं उनकी वजह से फ्लक्स में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं इनकी वजह से फील्ड 0 है यहां पे, नहीं 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 फील्ड नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं फ्लक्स, दोनों में अंतर याद रखना, आगे जाके आप फील्ड और फ्लक्स में कंफ्यूज हो रहे होंगे, आगे जाके आप ऐसी बेवकूफी भरी बात करते हुए पाए जाएंगे। बोल रहा हूं मैं अभी से कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए 0 मतलब ई इज इक्वल टू 0, कहीं 0 है यहां पे लेकिन फ्लक्स 0 है, मतलब मैंने प्रूव कर दिया आउटसाइड वालों की वजह से फ्लक्स 0 होता है। हाँ अरे प्रूफ तो इसमें क्या है यार, इसको प्रूव नहीं कर रहा मैं, आगे आंखों से दिख रहा है, फेरेडे से कर दिया मैंने प्रूफ, ठीक है एक बार मैंने फेरेडे से प्रूव कर दिया। तो अब मेरे को यदि यहां पर ई ड्यू टू ऑल चार्जेस यूनिवर्स लिखना है तो दो टुकड़े कर लूंगा मैं इसके, इन प्लस आउट, और आउट का मैं प्रूफ करके बैठा हुआ हूं, क्या प्रूफ करके देख बैठा हुआ हूं, 0 होता है और इन की वैल्यू मुझे पहले से मालूम है, क्यों एप्सिलॉन नॉट आ गया प्रूफ, लेकिन वो बात नहीं है उसमें, वो जबरदस्ती वाला प्रूफ है, स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट इसमें कि दिख तो रहा है सर सारी फील्ड लाइंस जो एंटर हुई है वो बाहर भी गई है। ये यदि आप सोचना नहीं सीखेंगे तो जेई वाले एक साल दे चुके सवाल, अगले साल क्या देंगे मुझे क्या मालूम, बट स्पिरिट यही है लॉस की। मैथमेटिकली भी तो कर दिया ना मैंने प्रूफ, पता नहीं शायद समझ में आया कि नहीं आया फिजिक्स वाइज, लेकिन बहुत सुंदर प्रूफ फेरेडे से आता है कि यार अभी भी वही फील्ड लाइन सी काउंट हो रही है जो
Q1 से ओरिजिनेट हो रही है. Q1 की नहीं बोल रहा हूं मैं, ये भाषा थोड़ी सी आपकी और मेरी अलग है. आप बोलेंगे सर Q1 की ना, मैं बोल रहा हूं Q1 से ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि यहां पे जो ये फील्ड है ये Q1 की नहीं है, Q1 और Q2 दोनों की है यहां पर भी ये फील्ड. ठीक है, तो ये अपन को समझना है और थोड़ा बहुत कॉस्टली यूज करना है. तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज दूंगा आपको, बांट देना डीपी भी मुझे दे दे जरा, मार्क करवाया था. एक डीपी भी दे रहा हूं आप लोगों को, ट्राई करेंगे फिर देखते हैं कितना हो पाता है आपसे. समझ में आ गया ना, ई आउट वाला क्यों नहीं किया मैंने आगे, अब ऊपर प्रूव करा था ना ई आउट का तो जीरो ही होता है. तो मैं यहां पे ई इंटीग्रल डॉट डी ए लिखूंगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है. इन इनके लिए करा हुआ है और आउट के लिए प्रूव किया था जीरो है. ई को खोल के क्या लिख दिया, ई इन प्लस ई आउट, इन वाला हो जाएगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट आउट वाला हो जाएगा जीरो. तो टोटल ई भी होगा तो भी क्या आएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कर सकते.